गोविंदगढ़ कस्बे में चली आ रही 12 वर्षों से पुरानी मांग को देखते हुए रेलवे ने बुधवार रामनवमी के पर्व पर देर शाम को गोविंदगढ़ में प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस के ठहराव की समय सारणी सहित आदेश जारी कर दिए और वहीं कल गुरुवार से यह ट्रेन गोविंदगढ़ में रुकना शुरू भी हो गई, जिससे पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। भले ही क्षेत्रवासी आचार संहिता के चलते स्टेशन स्टाफ और लोको पायलट का स्वागत करने नहीं गए, लेकिन लोगों द्वारा पूरे बाजार में और आपस में मिठाइयां भी बांटी गई। गौरतलब है कि अब प्रयागराज से चलकर आने वाली ट्रेन सुबह 8:21 पर गोविंदगढ़ आएगी और 2 मिनट बाद अलवर जयपुर रिंग्स के रास्ते बीकानेर के लिए रवाना होगी। वहीं इसी प्रकार ट्रेन बीकानेर से चलकर शाम 6:11 पर गोविंदगढ़ आएगी और 2 मिनट बाद मथुरा आगरा कानपुर प्रयागराज के लिए रवाना होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ठहराव अभी प्रायोगिक तौर पर दिया गया है। 5-6 महीनों बाद टिकटों की बिक्री को जांचा जाएगा। यदि अच्छा यात्री भार और आमदनी अच्छी रही तो ठहराव स्थायी कर दिया जाएगा। इस दौरान पहले दिन करीब 150 यात्रियों ने इस ट्रेन में सफर किया और करीब 7,000 रुपए की स्टेशन को आमदनी हुई। इस मौके पर कस्बे के लोगों ने अलवर से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले वो भूपेंद्र यादव से मिले थे और उन्होंने तत्काल रेल मंत्री से बात कर आदेश निकलवाए थे और आज इसी कारण यह ट्रेन यहाँ रुक पाई है।